हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे सब अच्छे हैं, सब ठीक ठाक है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है हिबिस्कस का जेल कैसे बनाना है। उसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। शायद आप लोगों में से जिसने ट्राई किया है उसको पता चल गया होगा। आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है विटामिन सी टोनर, जो कि मतलब बिना खर्चे के आप बना लोगे। और इसका रिज़ल्ट भी मतलब, अगर आपको पिम्पल का प्रॉब्लम है, अगर आपको अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन में एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, टैनिंग का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसे ये बहुत अच्छे से तरीके से ट्रीट करेगा। साथ ही साथ इसमें मैंने हल्दी भी यूज़ किया है। हल्दी के गुण आपको पता है, ये आपके स्किन टोन को भी निखारेगा। या तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। और हाँ गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीला लिया है, उसमें डाल रही हूँ 100 ml के करीब वाटर। ये मिनरल वाटर होना चाहिए, खारा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद गाइस, इसमें हमने डालना है 2 या 1 नींबू के छिलके। नींबू के रस को निचोड़ लेना है और उसके बाद ये छिलके इसमें डाल देना है। पानी जितना होगा उसके अकॉर्डिंग नींबू के छिलके होंगे। 100 ml में मैंने 2 यूज़ किए हैं। ज़्यादा पानी लेंगे तो उसमें ज़्यादा लेना होगा। और इसके बाद डाल रही हूँ 1 गांठ हल्दी। हल्दी को ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करके डाल देना है कच्ची हल्दी। गाइस, अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप अम्बा हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच, 1 चाय के चम्मच से 1 चम्मच मेज़र करके आप डालिएगा। और अम्बा हल्दी होना चाहिए, कुकिंग हल्दी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इसे उबलने देना है और उबलने के बाद इसे 5 से 4-5 मिनट तक उबलने देना है। और इसके बाद इसके सारे गुडनेस इस पानी में आ जाएगा। उसके बाद पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसमें मैंने नींबू के छिलके यूज़ किए हैं, क्योंकि नींबू के रस से ज़्यादा छिलके में विटामिन सी होते हैं। आप चाहें तो इसमें संतरे के छिलके भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। सो गाइस, इस तरीके से उबलने के बाद इसे हमें छान लेना है। एक कोई भी कंटेनर में, कोई भी पात्र में आप छान लें। तो उसके बाद छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 1 से 2 घंटे तक। तो उसके बाद गाइस देखिएगा, जो नीचे जो जम जाएगा, जो एक परत सी हो जाएगी नीचे, उसे छोड़कर आपको ऊपर का चीज़ डाल लेना है। ऊपर का मतलब जो हमारा टोनर बन के रेडी है उसे डाल लेना है स्प्रे बॉटल में, जैसे कि मैंने डाल लिया है। और गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये बन गया हमारा विटामिन सी टोनर। इसे आप 5 से 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसमें आप अम्बा हल्दी यूज़ करेंगे तो वो उसकी लाइफ और भी ज़्यादा होगी, यानी कि 15 से 20 दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। गाइस, इसे कोई भी डार्क पार्ट पे आप लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम, उसे रिड्यूस करेगा। एंड गाइस, इसे लंबे समय तक यूज़ करने पर आपके फेस में रिंकल, झुरिया, ये सभी नहीं आएंगे और आपका स्किन टोन भी लाइट होता जाएगा। सो गाइज, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।